नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक महत्वपूर्ण भाद्रपद माह के पर्व के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये हर तालिका व्रत या तीज व्रत का पर्व है, जो श्री गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। ये तीज व्रत कुमारी और विवाहित स्त्रियां निर्जला व निराहार रहकर करती हैं। मित्रों, ऐसा वर्णन है कि इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। माता ने वन में रहकर कठोर तप साधना की। उन्होंने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की आराधना की। माता के कठोर व्रत से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से मन वांछित पति की कामना और पति के दीर्घायु की कामना के साथ बहनें ये व्रत करती आ रही हैं। ये पर्व शिव पार्वती के अखंड जुड़ाव का प्रतीक है। हर तालिका तीज इच्छित वर की कामना का व्रत है। जैसा मैंने बताया, इच्छित वर की कामना को गलत नहीं माना गया, वरन इसके व्रत भी हैं हमारी सनातनी परंपरा में। हर तालिका इसमें से एक है। कालांतर में सुहागिन स्त्रियां भी ये व्रत करने लगी। शिव कल्याण के देव हैं और पार्वती जो कल्याणी, पारिवारिक और वैवाहिक सभी संस्कारों की नींव शिव परिवार से ही पड़ी। यह सुखी और आदर्श परिवार है। जिस तरह माता पार्वती का सुहाग अक्षत है, उसी तरह व्रत को करने वालों का भी हो, यही कामना सनातन है। मित्रों, इस व्रत को पूरी श्रद्धा विश्वास व सादगी के साथ करना चाहिए। और मैं अब प्रातःकालीन मुहूर्त भी बता देता हूँ कि प्रातः लगभग 9 सितंबर 2021 को प्रातः लगभग 5:51 से 8:21 तक ये मुहूर्त रहेगा। व्रत की पूजा विधि की बात करूँ तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और शिव जी, माता पार्वती व गणेश जी से व्रत की सफलता के लिए आशीर्वाद लें, अपने परिवार व अपने सौभाग्य की कामना करें। इस व्रत को पवित्र मन के साथ श्रद्धा भाव से करना चाहिए और शिव पार्वती की भक्ति और प्रेम से भरा हुआ आपका मन होना चाहिए। दिन भर मन ही मन यथा संभव ओम नमः शिवाय का जप करती रहें। रात्रि जागरण भजन कीर्तन करें। रात्रि भर जागना अगर संभव नहीं है तो 12-1 बजे तक अवश्य ही जागरण करना चाहिए। इस दिन शिव विवाह सुनने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी ब्राह्मण स्त्री को सुहाग की सामग्री वाली डलिया दक्षिणा सहित अर्पित करें और व्रत का पारण करें। मित्रों, ये व्रत बहुत पुण्यकारी है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें, आप सभी फलें फूलें, यही कामना हमको और हमारी संस्कृति को पल्लवित रखती है। मित्रों, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम श्री गणेश चतुर्थी के विषय में बात करेंगे। कृपया मेरे चैनल को, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय जय सियाराम। नमस्कार।